दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली को छोड़ के सब जगह रहते हैं। तानाशाही कर रहा है केजरीवाल, झूठ बोल के राजनीति में आता है, इसे मुख्यमंत्री कहने पे भी शर्म आती है। ये पूरी जनता नफरत करती है केजरीवाल से। मैं साफ कहूं तो आज अगर ये मुख्यमंत्री यहां आ जाए ना तो चप्पलों से इतना धुना जाएगा किसकी सारी मुख्यमंत्री पर निकल जाएगा। अरे केजरीवाल जी, जिन महिलाओं के लिए फ्री दे रहे उन महिलाओं को मार दिया। और तब तक प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को या तो पानी दे या अपना इस्तीफा दे दे। पूरी तरह से हर जनता को, मीडिया को ये पता चले कि केजरीवाल मुख्यमंत्री होने के नाते, जिसने, और तो कोई बात नहीं, जिसने कहा था घर घर में स्वच्छ जल आएगा, वो भी नल से, दो महीने से कोई नल नहीं, कोई जल नहीं। ये आज जनता सारी मेरे साथ आई हुई है, एक ये परेशान है, दिल्ली त्राही त्राही हो रही है बिना पानी के। क्या मुख्यमंत्री जी को ये समझ में नहीं आता कि पानी इंसान की बेसिक जरूरत है, जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो हम एक बात कहेंगे केजरीवाल जी, शराफत वर्ड यूज करूंगी, मुख्यमंत्री आपके लिए, सबके घरों में स्वच्छ जल दे दीजिए, स्वच्छ जल दे दीजिए, वरना आप त्याग पत्र दे दीजिए। आप मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं। और कल आपको पता हो डीटीसी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, पता होगा, पता है आपको, ग्रीन लाइट एसी का, 5 व्यक्ति मारे गए, बाकी के व्यक्ति घायल हैं। क्यों? क्योंकि वो बसें चलने से ड्राइवर ने मना किया था। जिस भी ड्राइवर ने मना करा उसको दरख्वास्त कर दिया गया, उसको उसकी नौकरी ले ली गई। तानाशाही कर रहा है केजरीवाल, झूठ बोल के राजनीति में आता है, इसे मुख्यमंत्री कहने पे भी शर्म आती है। अगर ऐसा है तो कैमरा घुमाइए, इतनी पब्लिक कहां से आई? गंदा पानी आ रहा है बहुत। ये खाली कार्यकर्ता नहीं, ये आम पब्लिक है जो जगह जगह से निकल कर आई, परेशान है, हमसे कह रही है कि आप विपक्ष में बैठे हो, क्या कर रहे हो, हमारे नलों में पानी भी नहीं, स्वच्छ पानी भी नहीं, मोदी जी तो ये कर सकते हैं, मोदी जी वो कर सकते, ऐसा जनता हमसे कहती है। मोदी जी से कहो ना कि हमारे नलों में स्वच्छ पानी आए, हमारे पास कोई जवाब भी नहीं। हम उनसे कहते हैं, उनके घर जाते हैं सारे, मैं जिले में मंत्री हूँ अनायता भाटी पश्चिमी दिल्ली की, हम उनके घर पर गए हैं, वो घर से बाहर तक नहीं निकलते, वो बात तक नहीं करते, तो शायद उनको ये भाषा समझ में आए, क्योंकि ये भाषा बोल बोल कर तो वो आज मुख्यमंत्री बनकर बैठ गए हैं। और जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है, दिल्ली त्राही त्राही हो रही है बिना पानी के, बिजली बिजली तो 4-4 घंटे आती भी नहीं है। ये पूरी जनता नफरत करती है केजरीवाल से। मैं साफ कहूं तो आज अगर ये मुख्यमंत्री यहां आ जाए ना तो चप्पलों से इतना धुना जाएगा किसकी सारी मुख्यमंत्री पर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी बेसिक जरूरत है, हर व्यक्ति तो रोज पानी नहीं खरीद सकता। और बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे और जनता को बताना चाहूंगी, इस केजरीवाल की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं पानी बनाने की, जो पूरी दिल्ली में पैसा लेके सप्लाई कर रही हैं। ये मैं जनता को बताना चाहूंगी, ये व्यक्ति पानी जैसी चीज से भी पैसा कमा रहा है। जब दिल्ली की जनता पानी के लिए त्राही त्राही होगी तो कौन पैसे से पानी नहीं खरीदेगा? लेकिन ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ये जनता अब नहीं चलने देगी, ये सब जनता जाग गई है। अरे केजरीवाल जी, जिन महिलाओं के लिए फ्री दे रहे उन महिलाओं को मार दिया आपने, कल जल गई बस, फ्री का लालच देके आपने मौत का तांडव किया है। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री को, जो चीज हम महिलाओं को फ्री देता है वो फ्री नहीं, हमारी मौत है। जैसे पानी पीकर हम मर रहे हैं, बस में बैठकर हम मर रहे हैं, ये फ्री देता है वो सोचता है दिल्ली की जनता में थोड़े लोग मर भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, इससे ज्यादा अच्छी तरह कौन जानता है, इसने तो कोरोना काल में भी मारा था। जब ऑक्सीजन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी इसको तो ये कहता है मेरे पास तो ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं है, इसने ब्लैक किया। इसे जिंदगियों के साथ खेलना आता है, ये खेलता है जिंदगियों के साथ। मुख्यमंत्री कहने में शर्म आती है। आज दिल्ली की जनता कहीं बसों में बैठ के मर रही है तो कहीं पानी से मर रही है। अब ये हरकत, इसकी ये गंदगी पूरी जनता को पता चलेगी कि ये क्या कर रहा है। देखिए, हवाला मामले में गिरफ्तार हुआ है
इसका क्या फर्ज होता है मुख्यमंत्री होने के नाते? ये इसको बिल्कुल जेल में डाल दे, तिहार में डाल दे। इसे कहते हैं मॉडल पेश होना, पर नहीं करेगा क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री के आड़ में पैसा तो यही कमा रहा है, तो कैसे कर देगा? अरे भाई, पैसा कमाने के लिए व्यक्ति चाहिए साथ चलने वाला, अभी उसको बचाएगा। दिल्ली की जनता, मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो पैसा इस दिल्ली की जनता का है जो हवाला कांड में जा रहा है। जागो, इसके घर के बाहर बड़ा प्रदर्शन करेंगे। और सामने आ गया तो मैं, अनायता भाटी जिला मंत्री कहती है, चप्पलों से धुनेंगे कि मुख्यमंत्री तू हम दिल्ली की जनता का पैसा बाहर ले जाता है, हवाला कांड करता है, और स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन को जेल भी नहीं देता। ये तानाशाही नहीं चलेगी। भाई साहब, एक बात और बताती हूँ, ये केजरीवाल जब इसने रामलीला में धरना दिया था तो ये कहा था कि मैं तो राजनीति कभी करूंगा ही नहीं, उसके बाद आता है मैं राजनीति करूंगा गरीबों के लिए, आपकी पार्टी है। केजरीवाल, गरीबों का श्राप बड़ा गंदा होता है, ऐसा श्राप तुझे लगेगा। भगवान बैठा तेरा ये तमाशा देख रहा है कि तूने गरीब जनता के दिलों से खिलवाड़ किया है, और बहुत गंदा खिलवाड़ किया है। फ्री के नाम पे उन्हें जान से मार दिया, आज घर घर में गंदा पानी पी के मृत्यु हो रही है, क्योंकि वो गरीब व्यक्ति रोजाना पानी नहीं खरीद सकता। और मोहल्ला क्लिनिक खोलता है, एक डॉक्टर नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक में बैठ के दारू चलती है, वो दारू जो उसने एक के साथ एक फ्री करी है। घरों से निकलना मुश्किल हो गया है, जगह जगह दारू के ठेके खोल दिए हैं, ये है इसकी राजनीति। आज जो जनता एक एक पानी की बूंद के लिए तरसी है, उसी के लिए आज हमारे लोकप्रिय सांसद जी ने यहाँ पर प्रदर्शन रखा है। जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने पोल खोल अभियान चलाया तो मेरी मातृशक्ति एक एक घर में जब पहुंच गई तो सबसे बड़ी समस्या अगर सामने आई तो पानी की समस्या आई। आज ये जो बोतलों का हार आप देख रहे हैं, ये हर घर से लिया हुआ पानी है, क्योंकि हर घर के अंदर गंदा पानी आ रहा है। पहले तो पानी आ नहीं रहा, आने के आ भी रहा है तो इस तरह से गंदा पानी आ रहा है। मैम, केजरीवाल कह रहे कि हम साफ पानी दे रहे हैं, फ्री में पानी दे रहे हैं जनता। नहीं भाई साहब, पानी नहीं दे रहे, अगर दे रहे हैं तो गंदी शराब घर घर पहुंचाने का काम केजरीवाल कर रहे हैं। पानी की एक एक बूंद के लिए मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें तरस रही हैं, रात के 3-3 बजे 2-2 बजे उठकर पानी की मोटरें चलाती हैं, लेकिन पानी नहीं आता। और घरों के अंदर शराब की एक के साथ एक फ्री जो वाली स्कीम इन्होंने चलाई है, केजरीवाल जी शर्म करो, शर्म करो। मैम, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जाकर बोल रहे हैं दिल्ली मॉडल पेश कर रहे हैं, बढ़िया स्कूल बना दिए, फ्री में बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। सिर्फ विज्ञापनों की सरकार, झूठी सरकार, और झूठों का सबसे बड़ा सबूत मैं अपने गले में टांग कर आज घूम रही हूँ। मैम कहते हैं कि बीजेपी जो है हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान करती है, हम रोटी कपड़ा और मकान की बात करते हैं, केजरीवाल साहब कह रहे हैं। केजरीवाल जी सिर्फ और सिर्फ, आज आपने देखा मौलानों को तनख्वाही दे रहे हैं, तो क्या मेरे हिंदू पंडितों ने कोई अपराध किया है? उनको क्यों नहीं सैलरियां दी जा रही हैं? और बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम वाली, वो सच में हिंदू मुस्लिम के भाई हैं, लेकिन हिंदुओं के भाई नहीं है। सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया है, क्या कहिएगा? सत्येंद्र जैन, ये सबसे बड़ा अगर सबूत कहूं तो आज केजरीवाल जी जो बात कहते हैं उसका सबसे बड़ा सबूत है कि मेरे मंत्रिमंडल में कोई भी झूठा नहीं है। स्वास्थ्य के नाम पे कोरोना के समय आपने देखा होगा, लोगों को ना तो इलाज मिला ना अस्पताल मिला, और बातें करते हैं बहुत बड़ी। आज सत्येंद्र जैन जी को पकड़ा गया, जनता बहुत खुश है, और जल्द से जल्द उसको बर्खास्त करने की जो अर्जी है वो सभी लगा रहे हैं। मैम, सत्येंद्र जैन को इस्तीफा दे देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए आज। हाँ, मेरी बहनों, इस्तीफा देना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री, इस ऐसा स्वास्थ्य मंत्री जो लोगों के स्वास्थ्य खिलवाड़ करता है उसे इस्तीफा देना ही चाहिए। पंजाब में सरकार बनते ही गोलीबारी हो रही है, दिन दहाड़े गोली मारी जा रही है, किस तरह की राजनीति केजरीवाल कर रहे हैं? सबसे गलत राजनीति कर रहे हैं। देखिए, ये जो है पंजाब में दोबारा से ये मौत का खेल खेल रहे हैं। केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो भाई, शर्म करो केजरीवाल, शर्म करो। अरे शर्म करो, देखो हमारी, शर्म करो, शर्म करो। केजरीवाल पानी दो, पानी दो, पानी दो। केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। केजरीवाल पानी दो। आज मेरे साथ इजेंद्रपाल सिंह बग्गा है सर, बीजेपी प्रचंड प्रदर्शन आईटीओ के पास कर रही है, क्या उद्देश्य है इसका?
देखिए जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि 7 साल के उन्होंने कहा था दिल्ली में साफ पानी देंगे, लेकिन 7 साल के बाद भी दिल्ली के अंदर पानी नहीं है। लोग पानी का पता करते हैं, केजरीवाल जी को फोन करते हैं तो कहते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री हिमाचल में है, गुजरात में है, केरल में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली को छोड़ के सब जगह रहते हैं। दिल्ली के जो जल बोर्ड मंत्री थे वो पंजाब शिफ्ट हो चुके हैं, राघव चड्ढा जी, तो दिल्ली के प्रति किसी की जवाबदेही नहीं है। आज आपने देखा होगा किस प्रकार लोग गंदा पानी ले गए, या तो पानी आता नहीं, अगर आता है तो गंदा पानी आता है। इसलिए आज हम यह प्रदर्शन कर रहे हैं, और अगर अरविंद केजरीवाल लोगों को साफ पानी नहीं देते हैं तो ये प्रदर्शन जारी रहेंगे।